एमपी के जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी हॉस्पिटल में अचानक आग भड़क गई। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग लगभग पूरी तरह जल गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 की हालत गंभीर है। इनमें से 2 लोग आईसीयू में हैं। मरने वालों में अस्पताल के 4 स्टाफ सदस्य भी हैं जिनमें से 3 के नाम सामने आए हैं। हादसे के वक्त 35 लोग अस्पताल में मौजूद थे। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जबलपुर के विजयनगर स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के एंट्रेंस पॉइंट पर दोपहर करीब 2:45 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी तेज थी, तेज के साथ फैली कि कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ज्यादा लोगों की मौत हुई है। घायलों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद मरीजों को बचाने के दौरान कुछ लोग अंदर गए जो बाहर नहीं निकल सके। लपटें इतनी तेज थीं कि कमरे में फंसे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ लोगों को खिड़की और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की है। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।